नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़वेल इंडिया में। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। एक नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 खबरों पर। ओवैसी ने उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। पश्चिम यूपी की राजनीति मिजाज समझने के लिए ओवैसी 26 जनवरी के बाद मुरादाबाद, संभल और अमरोहा जिले का करेंगे दौरा। राहुल गांधी की अगुवाई में आज कांग्रेस प्रदेश भर में कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार को इस मसले पर घेरते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस आज किसान अधिकार दिवस मना रही है। राजधानी दिल्ली में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी प्रदर्शन की कमाल संभालेंगे। राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड जारी है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 2 दिन तक ठंड से राहत नहीं मिलेगी, बल्कि ठंड का कहर अभी और बढ़ेगा। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए शीतलहर चलने की चेतावनी भी जारी की। बीएसपी प्रमुख मायावती ने ऐलान किया है कि अगले विधानसभा चुनाव बीएसपी किसी से अलायंस नहीं करेगी। मायावती का कहना है कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूपी में आगामी चुनाव में बीएसपी की जीत तय है। बिहार के पटना में इंडिगो एयरलाइंस के स्टेशन हेड रूपेश कुमार सिंह की हत्या को लेकर राजनीति लगातार गर्म है। छपरा में परिजनों से मिलने पहुंचे सुशील मोदी से रूपेश की बेटी गले लगाकर रो पड़ी। नन्ही सी बच्ची को देख सुशील मोदी की आंखें नम हो गई। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान की शुरुआत आज से हो गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सबसे पहले 5 लाख रुपए का समर्पण निधि दिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 लाख रुपए का चंदा दिया। आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दिल्ली में एक अदालत ने वारंट जारी किया। एम्स में सुरक्षाकर्मी के साथ मारपीट से जुड़े मामले में 18 जनवरी को होगी पेशी। बिहार के सिवान में बेकऑफ बदमाशों ने राष्ट्रीय जनता दल के विधायक अवध बिहारी चौधरी के दामाद की मेडिसिन शॉप पर फायरिंग कर दहशत फैला दी। इस हमले में वो और उनके स्टाफ बाल बाल बच गए। पुलिस जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी जोरों पर है। इस बीच बीते दिन प्रशासन की ओर से सभी सेंटर्स की जानकारी साझा की गई है। दिल्ली में कुल 81 स्थानों पर कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया जाएगा। हरियाणा के यमुनानगर में भारतीय सेना से कैप्टन रैंक से रिटायर्ड 80 वर्षीय राम सिंह का शव घर पर बरामद किया गया। रिटायर्ड कैप्टन यहां अपने मानसिक रूप से परेशान बेटे के साथ रहते थे। बेटे को यह भी नहीं पता कि उसके पिता की मृत्यु हो चुकी है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जांच शुरू की। कानपुर में दूसरे समुदाय के युवक ने छात्रा से छेड़छाड़ की। छात्रा के भाई ने जब इसका विरोध किया तो इस पर उसने साथियों के साथ मिलकर बीच सड़क पर लात घूसों से उसके भाई को पीटा, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बुधवार रात को थाने पहुंचे हैं और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। सोनीपत में एक युवक ने एक तरफा प्यार से सहकर्मी युवती को बुलाकर जबरन शादी कराने का दबाव बनाया तो पीड़िता ने जहर खा लिया। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। युवती की निजी अस्पताल में मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जांच पड़ताल की जा रही है। पंजाब के अमृतसर में पतंगबाजी पर हुए विवाद में बदमाशों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने वारदात स्थल के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज कब्जे में ली। गुरदासपुर में नकाबपोश बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार को बंधक बना लिया। आरोपी एक स्विफ्ट कार, स्कूटी, 70,000 रुपए की नकदी और गहने लूटकर फरार हो गए। आरोपियों ने परिवार वालों को कमरे में बंद कर दिया और घर में बाहर से कुंडी लगाकर फरार हो गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू की। गोरखपुर में जमीन के विवाद के चलते हुई मारपीट में एक शख्स घायल हो गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया, आगे की कार्रवाई शुरू की है। कुल्लू में पुलिस ने 127 किलोग्राम चरस और 3 क्विंटल गांजे के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हिमाचल प्रदेश में चरस की इतनी बड़ी खेप पहली बार पकड़ी गई है। पकड़े गए गांजे की कुल कीमत 4 करोड़ आकी गई है। आरोपियों के पास से पुलिस ने बिना लाइसेंस की 2 बंदूक भी बरामद की। गोरखपुर जिले में चोरी की 182 क्विंटल गुड़ के साथ पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पूछताछ में पता चला है कि गुड़ को लखीमपुर खीरी से कटिहार जाने के लिए बुक कराया गया था। फिलहाल पुलिस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुटी। मेरठ में महिला ने एक युवक पर निकाह करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि युवक ने उसकी अश्लील वीडियो भी बना ली, जिसे वायरल करने और उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। हिसार में एक युवती का अपहरण होने से उस समय बच गया जब अपनी गाड़ी से जा रही डीएसपी भारती डबास ने ऑटो से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। डीएसपी ने ऑटो को रुकवाकर युवती को बचा लिया। आरोपी युवक और ऑटो चालक को गिरफ्तार किया गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर एसटीएफ के सिपाही की पिस्टल छीनकर भाग रहे 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हो गया। मुठभेड़ में 2 सिपाही भी घायल हुए हैं। पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में किया भर्ती। गुरदासपुर में शमशान घाट निर्माण को लेकर 2 गुटों में गोलियां चल गई। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, बदमाशों की तलाश शुरू की। फरीदाबाद में विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने प्राइवेट अस्पताल में बुजुर्ग महिला की मौत के मामले को रफा दफा करने के लिए शिकायतकर्ता को 5 लाख रुपए की रिश्वत देने के मामले में 2 डॉक्टर को किया गिरफ्तार। आरोपियों में बीके अस्पताल में तैनात डॉक्टर नवदीप सिंगल और प्राची अस्पताल की डॉक्टर सुरेश कुमार शामिल हैं। गाजियाबाद में बदमाशों ने कैंसर पीड़िता से पिस्टल के बल पर गैंगरेप किया। एसएसपी ने मामले की शिकायत के बाद देर रात 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
बलरामपुर में नशे में धुत एक भूतपूर्व सैनिक ने अपनी कार से एक शख्स को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। उसके बाद सैनिक शव को कंधे पर उठाकर 2 किलोमीटर चलकर थाने गया और आत्मसमर्पण किया। बिहार के भोजपुर में दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और बदमाशों की तलाश शुरू की है। दरअसल युवक शाम को अकेले मवेशियों को चराकर अपने घर की तरफ लौट रहा था, तभी पहले से घात लगाए गांव के लोगों ने उसे गोली मार दी। फिलहाल 5 मिनट 25 खबरों में सिर्फ इतना ही, बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। नमस्कार।